और अब अनुरोध कर रही हूं. ऑनरेबल ब्रदर जस्टिस वी ईश्वरैया जी से, आप चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस न्यू दिल्ली, अपने जुडिशरी काल में व्यवसाय करते हुए किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को उसके साथ कंबाइंड करते एक आइडल बैलेंस और फैमिली लाइफ को लीड कर रहे हैं, अनुरोध करती हूं अपनी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हमारे समक्ष प्रदर्शित करें. ऑनरेबल ब्रदर जस्टिस ईश्वरैया जी. ओम शांति. अपने चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, दादी रतन मोहिनी जी और मंच पर स्थित हुए बलिष्ठ भाइयों और बहनों, अपने इतना जो आकाश में तारा दिखते हैं वैसा तारा गने भाइयों बहनों जो सामने दिख रहा है चमकता हुआ बाबा के बच्चे, सबको आज 100 वर्ष दादी जानकी जी का जन्म दिवस पर दादियों को हम सबको आप सबको बहुत बहुत अपने धन्यवाद और शुभकामनाएं. जो दादी जी ने 80 साल से जो ज्ञान में परमात्मा को पहचाना, जब छोटे छोटे बच्चियां था दादी जी ने, तब जो परमपिता परमात्मा जो ब्रह्मा का तन में आकर वो दादियों को देखा, कौन सा स्वरूप देखा, आज की स्वरूप देखा, छोटे बच्चियों में आज की स्वरूप 80 साल पीछे देखा था और ये कल्पना नहीं था और ये सच परमात्मा को मालूम था और ब्रह्मा का तन में उतना महादेवियों को देखा था और उसकी स्वरूप आज सिद्ध हुआ, वो सच हुआ. क्योंकि जैसा परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में उसका स्वमान देखा, वैसी हमारे दादियों ने भी, जानकी दादी ने और आपने गुलजार दादी ने, इतने भाई भाइयों की जैसा बाप देखा, जैसा ईश्वर देखा, वही दृष्टि से दादियों ने भी देखा, इतने बहनों को तैयार किया, इसकी दृष्टि से इतना बहनों को भाइयों को तैयार किया, इसका साक्षात का प्रमाण ये आज सिद्ध हो रहा विश्व में. कहीं भी इतने शास्त्र, इतने मत, इतने अपने रिलीजियंस हुआ, कोई भी धर्म पिता कोई भी देवताओं को तैयार नहीं किया, कोई भी शास्त्र कोई भी देवी देवताओं को तैयार नहीं किया, कोई अपने जो अपने ऋषि मुनियों ने भी किया नहीं किया, मगर जो अनपढ़ दादियाँ कुछ शास्त्र नहीं पढ़ा है और वेद नहीं पढ़ा है, मगर वेदों का सार, गीता का सार सिद्ध कराया हमने दादियों ने, आपने यह स्वर्ग बसा रहा है. क्योंकि ये किसी की कल्पना भी नहीं है वैसा हो सकता, परिवर्तन हो सकता, एक मानव, साधारण मानव एक कितना एक दैवी स्वरूप बन सकता और उसका मनसा वाचा कर्मना तन मन धन से कैसा परिवर्तन हो सकता, दिव्य गुण धारण कर सकता, अगर श्रेष्ठ कर्म कर सकता, यहाँ सिखाया जाता है, यहाँ सीखना होता है. वैसे ही मैं जब 99 में मधुबन, वैसा बाबा उसकी प्रेरणा से अचानक आना पड़ा जज बनते ही, या मेरे को मैं जज बना, भले उतना थोड़ा बहुत खुशी था, मगर यहाँ आके जब भगवान का परिचय मिला
तब मेरे का संतोष का कोई भी पारा नहीं था और वो दिशा मिला वो सही अपने मेरा जो जस्टिस ड्यूटी परफॉर्म करने का यहाँ एक दिशा मिला। अगर यही ईश्वरीय मत के आधार से ईश्वरीय ज्ञान के आधार से किसकी दबाव में किसकी प्रभाव में किसकी झुकाव में ना आके मैं ईश्वरीय पूरा मर्यादाओं में पालना करते हुए मैं 69,000 केसेस डिस्पोज ऑफ हुआ। मैं किसी की जिंदगी में मेरा धन पवित्र करा मन पवित्र करा अन्न पवित्र करा कर्म पवित्र करा और मैं इतना खुशी से रहता हूँ जो रिटायरमेंट के दिन कोई भी उतना खुशी से नहीं रहता। मैं उतना खुशी से मैं रिटायरमेंट के दिन हुआ। बाद में भी बाबा ने जो भी आज जो कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस केंद्र में भारत सरकार में जो चेयरमैन नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के हूँ मगर इसमें भी इतना भी परीक्षा है मगर किसी का और जो न्याय है वही न्याय जो बाबा के बच्चे से द्वारा होता। और ये कोई भी अपने देखो ब्रह्मा कुमार इसको अगर कोई भी कितने भी करोड़ लालच करो करप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका आत्मा शुद्ध है उसका कर्म की गति क्या है मालूम है। उस वास्ते ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा कुमार ने आज साक्षात उसका जो मूर्तियों का पूजा होता है यही अपने जो क्योंकि बाबा ने देखा अपने चमकता हुआ सितारों को देखा वो सितारे अपने एक सच्चुक में देवी देवताओं का स्वरूप देखा और उसका पूजनीय अपने जो अपने इतना पूजा करते उसका पूजनीय स्थिति देखा। अभी ब्राह्मण ब्रह्मा का आचरण करके और शिव की और आचरण करके आज ब्राह्मण बन के जो अपने एंजल बन के फरिश्ता बन के फिर कल देवी देवता होने वाला है ये सच है और ये वो रहा है। ओम शांति। बहुत बहुत आभार।